won't tell me all the things we couldn't see. ऑलराइट, सो ये फुटेज आप देख रहे हैं इंस्टा 360 1X2 हमारे नए कैमरा से. आई होप आवाज़ कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताओ आवाज़ कैसा आ रहा है. स्टॉक आवाज़ है जो कैमरा से डायरेक्टली आता है वही आवाज़ है. ये रहा 360 व्यू. मैं हाथ क्या घुमा रहा हूँ, 360 तो कैमरा ही है ना, तो हाथ घुमा के कोई मतलब नहीं, आप लोग सब कुछ देख सकते हैं. तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो अपन यूज़ करेंगे, कर सकते हैं. जैसे कि साइड प्रोफाइल हो गया कि साइकिल के साइड में कोई चला रहा है गाड़ी और मुझे शूट कर रहा है, ऐसे टाइप के एंगल्स. तो वो धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा, ये माउंट इसी के लिए लिया है. तो हमारी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मुझे पता नहीं कैसे दिख रहा है लेकिन 360 है तो सब कुछ दिखेगा. उसके एडिटिंग का एक्चुअली झोल है जो मुझे थोड़ा करना पड़ेगा. सीख लेंगे कोई बात नहीं. और आज का वेदर तो देखो भाई साहब, क्या बात है, इंद्र देवता प्रसन्न. तो अभी इंस्टा 360 का फुटेज आप अभी देख सकते हैं. क्या दिख गया, सांप का बच्चा आई थिंक कोई गाड़ी के नीचे आके अनफॉर्चुनेटली मर गया है. यहाँ पे बहुत सांप होंगे यार, डर लगता है यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए. वैसे आपको फुटेज कैसे लग रहा है इंस्टा 360 का प्लीज कमेंट करके बताइए. अच्छा लगे तो यार लाइक तो बनता है, क्योंकि आप ही के लिए किया है ये सब तामझाम. बेसिक टेस्टिंग मेरी हो गई है, आपके लिए तो अपने वीडियो देख लिया, लेकिन घर पे जाके मुझे एडिट करके देखना है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं. अभी तो बस शुरुआत है. मुझे ना ऑन द गो, मतलब मैं अगर राइड कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं उससे शूट करके मोबाइल में पटाक से एडिट कर पाऊँ, ऐसा मुझे सीखना है, इसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो शायद आपको कुछ कुछ वीडियोज़ में 360 वीडियोज़ दिख जाएगा, आपको भी मज़ा आएगा. और सुनने में आया कि आईकिया का फर्नीचर जो है हमारा सोफ़ा, वो शाम को आ जाएगा. फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप आज आ जाए. लेटर दैट सेम इवनिंग. आज देखो क्या आ गया. सो फाइनली आवर सोफ़ा इज हियर फ्रॉम आईकिया, फाइनली. मतलब चलो समझ में आता है कि लॉकडाउन में नहीं दे पाया बिकॉज लॉकडाउन था. एक तारीख से खुल गया, आज 23 तारीख है. और 500 रुपये डिलीवरी का लिया है, 500 रुपये. 500 रुपये की डिलीवरी लेके भी कितना लेट आया देख लो, क्या कर सकते हैं. टैग किया ट्विटर पे, फिर भी छोड़ो, चलो देखते खुलते. इसको खोलना थोड़ा टास्क है भाई, इसको खोलना और सेटअप करना. एक्चुअली सेटअप भी मैं सोच रहा हूँ मैं ही करूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं. आई होप अंदर कुछ पेपर मैनुअल कुछ हो, नहीं तो आई थिंक उनके वेबसाइट पे पीडीएफ है, तो वो देख देख के करना पड़ेगा. चलो इसको खोलते हैं, देखते क्या है. ओहो, क्या बात. तो ये देखो हमारा सोफ़ा, इसकी कंडीशन टोटली डिसमेंटल्ड है. तो अभी देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है. शायद से इसमें इन्होंने दिया है, नॉट श्योर. हाँ जी दिया है. तो इसको लगेगा टाइम, अभी मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है, फिगर आउट करता हूँ, खोलता हूँ, एक एक पुर्जा निकालता हूँ, जो भी है आपको दिखाता हूँ. थोड़ा मैं एक बार देख लेता हूँ. ऑलराइट, सो बड़े मुश्किल से हमने इसको निकाल दिया है, इसको मैंने खोल दिया और ये सब कुशंस है. तो ये कुशंस यहाँ पे रख दिया. यहाँ इसमें शायद से वो नट्स और बोल्ट्स और वो सब चीज़ें. और आपको अगर मैं लकड़ा दिखाऊँ इसका, तो ये देखो यहाँ पे ये टाइप का है और यहाँ पे थोड़ा बेटर है. आपको तो पता ही है आईकिया का क्वालिटी इतना भी टॉप नॉच नहीं रहता जैसा अपना इंडियन फर्नीचर होता है, लेकिन ठीक है, फॉर दिस प्राइस आई थिंक बढ़िया है. अपन ने कितना 17,000 में लिया ना, 17,000 में हमने ऑफर में इसको मंगाया. इसकी MRP तो कुछ ज़्यादा ही है. ये देखो 26,500 है. और ये रहा इसका कोड, ये नाम. सो 17,000 नॉट बैड यार, 17,000 में अच्छा फुल फ्लेज सोफ़ा मिल रहा है. थोड़ी क्वालिटी ठीक है, लेकिन कैसा 5-10 साल भी टिक गया तो बहुत है. इसको लगाते हैं और अभी देखते हैं. तो हम लोग लगा रहे हैं अभी हैंडल्स. ये स्क्रू मैंने डायग्राम देख के लगा दिए है और ये अभी इसको फिक्स करेंगे जैसे वो वाला फिक्स किया है. ये है नीचे, यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं. दिस इज़ नॉर्मल फैब्रिक. ये शायद फ्रेम जैसा कुछ है ताकि इसका लिमिट जो है यहाँ तक रहे. और यहाँ पे है अपने स्क्रूज जो निकले हुए, इसको अपन अभी टाइट करेंगे. बाकी नीचे से तो ऐसे ही है. इसको पैर लगाने का जगह शायद ये करेंगे, वो भी करेंगे.
तो देखो अभी अपन ने ये कर लिया, अभी इसको उल्टा कर लिया, अभी यहाँ पे अपन लगाएंगे स्क्रू। उन्होंने टूल भी दिया हुआ है और बीच में लगेगा शायद वाइज़र। चलो ओके, सो ये चार स्क्रू यहाँ पे, ये नीचे एक है और यहाँ के चार, ये सब लग चुके हैं। मतलब अपने जो हैंडल्स है ये पूरे फिक्स्ड है। अभी नेक्स्ट है ये लेग। देखो डायग्राम में ये रहा, सेवेंथ स्टेप इज़ इसके पैर बिठाने हैं। ये पैर है, मैंने शुरू किया था 9 बजे, आई थिंक 9 ही बजे थे, तो 20 मिनट हो गए, अपन ने निकाल भी लिया और हाथ भी लगा दिए। तो आई थिंक ये 1 घंटा मैक्स लगेगा, सिर्फ करने का बेसिक नॉलेज चाहिए और थोड़ा हिम्मत चाहिए, नहीं तो लोग डर जाते हैं कि भाई अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक ट्राई करके फेल हुए और फिर बाहर के लोगों को बुलाया तो उनको ज़्यादा पैसे मांगेंगे, वो उतने पैसे लेंगे। तो अपना सोफ़ा हो चुका है खड़ा अपने पैरों पर, और ये जो है इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। ये देखो कुछ कुशन से ना ऐसे स्क्वायर बेस के हैं, जैसे ये तीनों, और ये जो है ये नॉर्मल बेस, इसको स्क्वायर बेस नहीं है, मतलब ऐसा एज वाला स्क्वायर नहीं है, देखो ऐसा एज वाला। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये नीचे वाले ये है और ऊपर वाले ये है, क्योंकि ये फ़ोटो में ना, ये फ़ोटो में समझ भी नहीं आ रही, ये फ़ोटो में सब सेम ही लग रहा है। देखो ये लगाया इसने नीचे वाला और ये लगाया उसने पीछे वाला, तो ये तो सेम ही है। ये स्क्वायर एज वाला शायद यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पीछे वो स्क्वायर दिखेगा, बट नॉट श्योर, मैं लगा के देखता हूँ। चलो एनीवे, अपने को कवर तो सब पे चढ़ाना ही है, तो उन्होंने कवर भी इसमें दिए हुए, तो कवर चढ़ाते हैं फिर देखते हैं जो भी करना है। चलो सोफ़ा तो अपना रेडी है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, ये जो दो वाइज़र दिया हुआ है ये लगाना था यहाँ वाले स्क्रू पे बीच में, वो मैंने लगाया नहीं। वहाँ पे प्ले दिया हुआ था थोड़ा सा, मैं वही सोच रहा था प्ले क्यों है, तो ये वाइज़र बीच में लगेगा ताकि ये अगर आगे पीछे हो जाए तो ये इसकी वजह से इजीली हो जाएगा, बट अभी वापस लगा दिया है। ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, 5-10 मिनट का काम है। ये देखो हाथ निकाल लिया और ये जाएगा यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्ले, तो ये आगे पीछे होने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो ऐसा, पहले मेरा ध्यान नहीं गया ना, तो पहले कर लेता। चलो लगा लेते हैं। तो देखिए टाइम हो गया है 10:10, मतलब पूरा 1 घंटा लगा इस सोफ़ा सेटअप करने के लिए। वैसे बीच में मेरे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चले, बिकॉज हाथ मुझे वापस निकालने पड़े और वापस लगाने पड़े, तो उसमें अपने 10 मिनट एक्स्ट्रा का, मतलब 1 घंटा मैक्सिमम, एंड बढ़िया लग रहा है। ये अपना सोफ़ा परफेक्ट लेंथ है, एक्चुअली हमने लेंथ गिन के ही फिर फाइनल किया था। इसको अपन ऐसे भी रख सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो ऐसे भी रख सकते हैं, सिंगल वाला ही मंगाया बिकॉज अभी घर में हम ज़्यादा लोग हैं नहीं और फिर यहाँ पर भी जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। वैसे काफ़ी जगह अभी भी है, डाइनिंग टेबल है जिसको अपन थोड़ा बाजू में भी कर सकते हैं। तो अभी घर अच्छा लग रहा है, सोफ़ा लग गया, डाइनिंग टेबल भी आ गया, अभी और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कर्टन से सब चीज़ें, तो वो धीरे धीरे अभी हम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि नीचे बैठ बैठ के हमारी हालत टाइट हो गई थी। आइकिया का एक्सपीरियंस इतना कुछ खास रहा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मे बी नॉर्मल टाइम्स पे वो लोग डिलीवरी दे देते हैं जितने दिनों में बोलते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे लॉकडाउन में हमने ऑर्डर किया था, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर 1 तारीख से शुरू हो गया था जून से, लेकिन उन्होंने 20-25 दिन और लगा दिया था। आज 23rd of June है एंड सोफ़ा हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, वो भी हमने ही किया एक्चुअली। इंस्टॉलेशन वो लोग भी करते हैं, आई थिंक अर्बन क्लैप वाले करते हैं, ये जो डिलीवरी वाले आए थे वो भी बोल रहे थे कि हम भी कर सकते हैं, उसका एडिशनल चार्जेस है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी इंजीनियरिंग अपन ने किया कुछ तो उसका फ़ायदा हो, तो थोड़ा दिमाग लगा के अपन ने घर पर कर लिया, 1 घंटे की मेहनत है। तो ये था हमारा आइकिया फर्नीचर शॉपिंग एक्सपीरियंस, इतना कुछ खास नहीं था लेकिन ठीक है, डिलीवरी थोड़ी जल्दी दे देते तो थोड़ा बेटर लगता 500 रुपये लेने के बावजूद। बाकी सोफ़ा बढ़िया है, अभी इस पर कवर और चढ़ाएंगे, ठाकुरान जी डिसाइड करेगी, फिलहाल तो ये पूरा जैसा स्टॉक दिखता है वैसा ही है। टिकने के लिए जो है रेस्ट वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसको अपन निकाल सकते हैं और वॉशेबल भी है। अभी क्वालिटी जो है वो वक्त ही बताएगा, तो आने वाले वक्त में जब भी कुछ इसका कुछ प्रॉब्लम आया या अच्छा चला जो भी है, मैं एक्सपीरियंस करूँगा आने वाले सालों के व्लॉग्स में, टाइम है उसको। चलो अभी थक गया हूँ, 10 बज गए, खाना भी खाना है, मिलता हूँ। चलो इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे, डू हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि शायद आने वाले दिनों में मज़ा आएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। और वैसे तो बहुत काम बाकी है यार, मुझे बाइक पे भी थोड़ा काम करना है, उसके बाद मुझे थोड़ा पैनर्स वैनर्स लगा के थोड़ा टेस्ट भी करना है, काफ़ी सारे काम है, तो आई एम वेरी वेरी बिजी एक्चुअली नाउ डेज, ऑफिस का काम, इसका काम, उसका काम, वीडियोज़ का काम, क्या बोलने का अभी, मतलब दिन तो मेरा ऐसा जाता है सब, पता ही नहीं चलता। चलो ठीक है, मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और बारिश तो बंद ही होगी यार, अच्छा है बंद ही रहो कुछ दिन।